करनाल इंद्री रोड पर गांव रंबा के समीप सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूनम नामक महिला अपने देवर के साथ पानीपत अपने मायके की ओर जा रही थी, तो रास्ते में गांव रंबा के समीप पीछे से किसी अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उनको टक्कर मार दी गई, जिससे अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार महिला की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रंबा गांव के समीप कोई अज्ञात मोटरसाइकिल सवार दूसरी ओर से आ रही मोटर सवार महिला और उसके देवर को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं इस सड़क हादसे से एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मृतक महिला अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर शव को परिजनों के हवाले सौंप दिया गया है। सर, मैं आगे चल रहा था, पीछे से बाइक वाले के टक्कर मारा, मेरे को संभाला भी नहीं गया, आगे वो लेके आगे बस वो खाते में लेके मैं गिर गया था। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ आ पा रहे थे, क्या काम? हिमनगर सर, पानीपत जा रहे थे। किससे लेके? कौन थे? भाभी को सर, अपनी भाभी को लेके आ रहे थे। क्या नाम था? पूनम देवी सर। तो किस चीज पे थे आप लोग? बाइक पे थे। तो जो टक्कर मारने वाला कौन है भाई? सर दिखे नहीं, वो नीचे हम तो खाते में सर गिर गए थे। अच्छा, तो होश भी नहीं सर था हमारी, वो फरार हो गया। हाँ, बाइक पे था दूसरा भी। जी, क्या नाम आपका? विनोद जी सर। विनोद जी, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया रंबा चौक। वहाँ फिर पुलिस वाले, हमारे लड़के के जमुनानगर से आ रहा था, हमारा छोटा वाला लड़का बस में था, उसको फोन किए पुलिस वाले ने कि तुम्हारा बहन का एक्सीडेंट हो गया है। फिर ये बस से वहाँ हमारा लड़का, बस वाला रोका हमारा लड़का, उसके उसकी जब आया उसकी लाश उसमें क्या नाम है एम्बुलेंस में डाला। उसके बाद हम लोगों को कुछ पता नहीं सर। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे? अपने देवर के साथ जा रही थी, हमारे घर आ रहे थे पानीपत जमुनानगर से। तो आपकी क्या लगती है? हमारी बेटी लगती है सर। बेटी है पूनम। तो आप क्या चाहेंगे, जो मारने वाला है अज्ञात है उसका पता लगा कोई? कुछ नहीं सर, वो फरार हो गया। वो फरार हो गया। क्या नाम आपका? मोतीलाल जी। तो इसके पास में, इसके साथ में इसकी भाभी जी बैठे थे, और जो रंबा चौक पे अचानक मोटरसाइकिल वाला तेज रफ्तार में था, और जिस साइड से निकला तो अचानक इनकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होगी, जिसकाउंट से ही हादसा होगी। तो क्या कार्रवाई की जा रही? अभी तो जो महिला है उनकी डेथ हो गई है, आज पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी लेके वाले करेंगे। तुझे पूनम कहाँ से कहाँ आ रही थी, कहाँ जा रही थी? यमुनानगर से पानीपत जा रही थी। तो ससुराल से जा रही थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कोई वक्त अपने घर जा रही थी। अज्ञात वाहन का पता लगा कोई, क्या सीसीटीवी वगैरह में? हाँ, अभी देख रहे हैं सर, जांच जा रही है। जी सर। और महिला का आज क्या? आज पोस्टमार्टम कराएंगे और दो संस्कार के लिए डेड बॉडी। क्या नाम आपका पूरा? हेड कांस्टेबल जितेंद्र। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।